पालक दाल बनाने के लिए हमें चाहिए पालक, तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के करीब पालक ले लिया है। उसे अच्छे तरीके से धो करके मैंने रफली चॉप किया है। साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप के करीब तूर की दाल, अरहर की दाल। मैंने इसे 1/2 आवर के लिए गर्म पानी में सोख करके रखा था। साथ में हमें चाहिए प्याज, तो मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसे रफली चॉप किया है। साथ में लिया है लहसुन और सूखी लाल मिर्च। हमें चाहिए हींग और 1 बड़ा टमाटर, मैंने इसे भी रफली चॉप किया है। अब हम एक प्रेशर कुकर में इन सबको डाल के प्रेशर कुक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है कुकर, उसमें मैं ये पालक डाल रही हूँ, साथ में मैं ये दाल भी ऐड कर दूँगी और साथ में मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड करना। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब किया है और ये टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी जो भाजी है, जो पालक है, वो ऑलरेडी बहुत पानी छोड़ती है, इसलिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो अब हम इसे एक गैस ऑन करके हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। हम हाई फ्लेम में इसे 2 विसल आने तक पकाएंगे। तो देखिए अब हम इसे चेक करते हैं कि ये गला है कि नहीं। तो ये देखिए, ये पूरे तरीके से मैश हो रहा है, तो ये अच्छे तरीके से पक चुका है। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। तो अब ये रेडी है तड़के के लिए। तो हम फिर से गैस ऑन करके एक पैन ऐड चढ़ाएंगे और उसे गर्म करेंगे। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा 1 टेबल स्पून के करीब। जब अच्छे से ज़ीरा स्प्लटर होने लगे तब मैं इसमें डालूँगी सूखी लाल मिर्च और लहसुन। इन सबको कुछ सेकंड्स के लिए स्प्लटर होने देते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, ध्यान रहे कि हमें इससे लाइट ब्राउन ही करना है। तो इस तरीके का जब ये दिखने लगे उस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। तो ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा रंग और फ्लेवर लेके आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो ये जो कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, जब हम इसे डालते हैं तो हमें फिर एक भी वेट नहीं करना है, तुरंत से हमें इसमें डाल देना है क्योंकि हमें जलने नहीं देना है। अगर हम लेट करते हैं तो बहुत ही टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें तुरंत ही दाल ऐड कर देना है। और बस अब ये रेडी है बिल्कुल खाने के लिए। अब इसे हमें नहीं पकाना है, बस ये हो गया, बस अच्छे से हमें मिक्स करना है और अब इसे हमें सर्व करना है। तो ये देखिए अब हम इसे अच्छे से सर्व करेंगे और ये देखिए कितना अच्छा बनकर आया है गर्मा गर्म पालक दाल की सब्ज़ी। आप इसे अपने घर में बनाओ, इन्जॉय करो, क्योंकि अभी जैसे चल रहा है विंटर सीज़न तो पालक दाल खाना तो बनता है। तो आप ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी रेसिपी है, तुरंत बन जाने वाला रेसिपी है, क्विक रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। आप इसे चावल, रोटी, चपाती, पराठा किसी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हो। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी गाइस, आप ज़रूर कमेंट करना। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।